कलर ब्लाइंडनेस आंख की एक ऐसी स्थिति होती है जो मरीज को दुनिया के जो ये खूबसूरत रंग हैं यह दिखना कम हो जाते हैं, एक सूनापन उनके दिमाग में आ जाता है, क्योंकि आजकल रंगों का ही खेल है। तो ये छटा अगर नहीं दिखती है तो मरीज इससे छटपटाता है, परेशान होता है। आज हम आपको बताते हैं कलर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल की ओर और मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के विषय में। बहुत से लोग होते हैं जो कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और वो एक कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति होती है। आज हम आपको बताएंगे साथियों कलर ब्लाइंडनेस को मैनेज करने की, आँखों के जो रंग सही से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कलर्स को, उसको मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है। कलर ब्लाइंडनेस साथियों वह स्थिति होती है आँखों की जहाँ पर नॉर्मली व्यक्ति जो है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और कुछ लोगों में यह स्थिति होती है जब मरीज येलो और रेड कलर के, ब्लू कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। बहुत कम ही ऐसी स्थिति होती है कि जब टोटल ब्लाइंडनेस हो, टोटल कलर ब्लाइंडनेस हो, बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस हो, ऐसी स्थिति बहुत कम होती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। सिम्टम्स मरीज का लाल और हरे रंग में डिफ्रेंशिएट ना कर पाना और ब्लू और येलो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना या फिर कोई भी रंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना, यह स्थितियाँ होती हैं जो सिम्टम्स होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। कारण कलर ब्लाइंडनेस का, कोन्स जो हमारी आईज में कोन्स होते हैं, रॉड और कोन्स दो तरह के सेल्स होते हैं। जब हम कुछ देखते हैं लाइट की सारी वेवलेंथ हमारी कॉर्निया के थ्रू एंटर करती हैं और वह जो है विट्रस ह्यूमर में, जेली लाइक ह्यूमर से पास होते हुए हमारे कोन सेल्स में पहुँचती है। कोन्स जो हैं, जो आईज में सेल्स होते हैं, वह सारी वेवलेंथ को आई की डिफ्रेंशिएट करते हैं और ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाते हैं। कभी कभी कुछ केमिकल होते हैं जो नहीं होते हैं कोन्स में, किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्व करने के केमिकल्स नहीं होते हैं, तो वही रंग मरीज को नहीं दिखता। यही कारण है कलर ब्लाइंडनेस का। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताते हैं कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो कलर ब्लाइंडनेस को ठीक करने में, मैनेज करने में, कंट्रोल करने में, क्योर करने में मदद करेंगी। दवाएँ साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। चलते हैं साथियों सफर पे, जिस पे आपको बताते हैं कलर ब्लाइंडनेस को मैनेज, क्योर, कंट्रोल और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में कलर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल, क्योर, मैनेज करने की आती है, वह मेरे हिसाब से है फास्फोरस। यदि किसी साथी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वह फास्फोरस 1 mg की एक खुराक वीकली ले सकता है। यह दवा कलर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने में, क्योर करने में, मैनेज करने में मदद करती है। फास्फोरस के मरीज की तकलीफें शाम के वक्त बढ़ती हैं और उन्हें ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होता है और उनके शरीर में अंदर से जलन होती है। यह सिम्टम्स होते हैं फास्फोरस के, और फास्फोरस के मरीज को वीकनेस बहुत होती है। तो अगर यह सिम्टम हो तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस फास्फोरस कलर ब्लाइंडनेस के केस में हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि जब और ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिखते हैं कलर ब्लाइंडनेस के केस में कि वो ब्लड से सोक्ड हो, अगर ऐसी स्थिति, ऐसा विजन दिखे आई से, तो इसको ठीक करने की कलर ब्लाइंडनेस के केस में बहुत अच्छी दवा है स्ट्रॉन्टियम। स्ट्रॉन्टियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज ले सकता है। इस दवा से मरीज को लाभ मिलेगा, उनका विजन बेहतर होगा, कलर ब्लाइंडनेस बेहतर होगी और वो जीवन को सामान्य रूप से व्यतीत कर पाएंगे। एक स्थिति साथियों कलर ब्लाइंडनेस की आती है कि मरीज को ऑब्जेक्ट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं, हरे रंग के दिखते हैं, कोई भी चीज़ वहाँ दिखता है वो हरी दिखती है। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस की यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसा मरीज ले सकता है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी।
एक स्थिति साथियों कलर ब्लाइंडनेस के केस में आती है कि मरीज को ऑब्जेक्ट्स काले दिखने लगे, ब्लैक दिखने लगे। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम वन एनम की 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वह मरीज ले सकता है जिनको ऑब्जेक्ट्स ब्लैक दिखते हों, सामने विजन में चीज़ें जो दिखती हों वो काले रंग की दिखती हों। यह दवा ऐसे मरीज को कलर ब्लाइंडनेस के केस में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को चीज़ें नीली दिखती हों, ब्लू कलर का विजन उनके हो गया और ब्लू ऑब्जेक्ट्स उनको दिखते हों, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एक्टिया स्पाइकाटा। एक्टिया स्पाइकाटा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह ब्लू विजन को ठीक करेगी, मरीज की कलर ब्लाइंडनेस को ठीक करेगी और मरीज को बेहतर करेगी। एक स्थिति आती साथियों मरीज को ऑब्जेक्ट्स चमकने वाले ग्लिटरिंग टाइप दिखते हों, तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज को ऑब्जेक्ट्स ग्लिटरिंग वाले चमक वाले दिखते हों तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैम्फोरा। कैम्फोरा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार कलर ब्लाइंडनेस के केस में दी जा सकती है। जब आपके ग्लिटरिंग टाइप ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट्स में चमक हो, यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कलर ब्लाइंडनेस में मरीज को जो रंग दिखते हों को एक्स्ट्रा ही ब्राइट दिखते हों, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एनाहोलियम। एनाहोलियम 30 पावर में उस स्थिति में ली जा सकती है जब मरीज को बहुत ब्राइट कलर्स दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा चमक रंग में दिख रही हो, तो कलर ब्लाइंडनेस की इस स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को ग्रे कलर के ऑब्जेक्ट्स दिखते हों, कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन हो और मरीज को ग्रे कलर के ऑब्जेक्ट्स दिखते हों, अगर ऐसा है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है स्टेमोनियम। स्टेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। अगर मरीज को ऑब्जेक्ट्स ब्लू और ब्लैक और ग्रे दिख रहे हैं, यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी, कलर ब्लाइंडनेस को ठीक करेगी और मरीज को स्वस्थ करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कलर ब्राइटनेस में कि मरीज को काले ऑब्जेक्ट सफ़ेद दिखते हों, अगर यह स्थिति हो कि ब्लैक ऑब्जेक्ट्स मरीज को वाइट दिख रहे हैं तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा आती है डिजिटेलिस परपुरा। डिजिटेलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा मरीज को ठीक करेगी, उनके जो ये ऑब्जेक्ट्स ब्लैक के वाइट दिख रहे हैं, ब्लैक चीज़ें वाइट दिख रही हैं, उस टेंडेंसी को ठीक करके कलर ब्राइटनेस को ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को चीज़ें पीली दिखती हों, अगर यह स्थिति हो मरीज को येलो कलर की चीज़ें दिख रही हों कलर ब्लाइंडनेस के केस में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिना। सिना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा मरीज को ठीक करेगी, स्वस्थ करेगी और मरीज ठीक होगा। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को जो ऑब्जेक्ट्स दिखते हों कलर ब्लाइंडनेस में वह गोल्डन कलर के दिखते हों, तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज को जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वह गोल्डन कलर के दिख रहे हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिनको कि गोल्डन ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को जो ऑब्जेक्ट्स हैं वह रेनबो कलर के दिख रहे हो, रंग बिरंगे सतरंगी दिख रहे हो, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर मरीज को दी जा सकती हैं। यह दवा जो सतरंगी छटा दिख रही है उसको ठीक करके मरीज को स्वस्थ करेंगे। ये साथियों कुछ दवाएँ थी कलर ब्लाइंडनेस के विषय में, ये दवाएं मरीज को राहत देने के लिए हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दें। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपकी राय का कि यह वीडियो समाज के लोगों के बीच कैसा लगा, समाज के लोगों के लिए हितकारी है तो किस हद तक है, नहीं है तो मुझे क्या और सुधार करना चाहिए। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो, संतोषजनक लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अपने चैनल को अपने साथियों से सब्सक्राइब करने को प्रेरित करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।